और इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा से, जहां डॉक्टर साइबर फ्रॉड का शिकार हुए। डॉक्टर के खाते से 10 लाख रुपए ठग ने आहरित कर लिया। हालांकि घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस ने आनन फानन में ट्रांसफर किए गए खाते पर रोक लगाने का प्रयास भी शुरू कर दिया है। ये मामला पंजाब नेशनल बैंक का है, जहां खाता धारक डॉक्टर प्रेमचंद द्विवेदी के खाते से 10 लाख रुपए का लगभग आहरण कर लिया गया। पीड़ित के मोबाइल में मैसेज आने के बाद जानकारी हुई तो भागते हुए बैंक पहुंचे, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ट्रांसफर हुए खाते में रोक लगा दी है। बताया जाता है कि जिस खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है वो केरल में संचालित है, उसकी शाखा भी रीवा और आसपास में नहीं है। आपको बता दें कि लगभग 24 बार में कुल 9,94,364 रुपए आरोपियों के द्वारा ट्रांसफर कर लिया गया। फिलहाल डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर पैसा वापस करवाने का प्रयास कर रही है। बताया जाता है कि पुलिस साइबर की मदद से आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा, साथ ही अपने बैंक भी खाते धारकों के द्वारा किसी भी प्रकार की ओटीपी दूसरे को ना शेयर करने की बात कहते हैं, और इसके बावजूद पढ़े लिखे और डॉक्टर जैसे पेशे से जुड़े लोग भी धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे अपराधों को रोकने में बैंक और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से असफल होता साबित हो रहे हैं।